भले ही लोग कहते होंगे काला रंग अशुभ होता है, मगर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते हैं यारो, कोई अगर आपको दिल से याद करे तो समझ लो आप पास हो गए। सपना पढ़ाई का हो या अपनों का, उसे हमेशा एहसास दिलाओ कि वही आपकी चाहत है। काम से प्यार ना होने पर सफलता नहीं मिलती, अपनों को अपनेपन का एहसास ना होने पर रिश्तों में दरार आ जाती है। जब आप कुछ दिनों तक पढ़ाई नहीं करते तो दोबारा स्टार्ट करने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। हर सपनों के लिए और हर अपनों के लिए नजदीकी बहुत जरूरी है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कोई रास्ता बंद हो जाए तो रास्ते बदलो, मगर लक्ष्य नहीं। याद रखना, पढ़ाई करने से आपके दिमाग का विकास होता है। अच्छे लोगों की कीमत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना और भूल जाना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है। किताबों से प्यार आपको शिखर तक ले जाएगा। हम इस दुनिया को जो देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। पढ़ाई के लिए जोश आए या ना आए, मगर जब कोई आपसे पढ़ाई के बारे में पूछेगा तो उस समय गुस्सा जरूर आएगा। किसी पर गुस्सा निकालना जायज है या फिर अपनी पढ़ाई को जोश के साथ करना, ये आप डिसाइड कर लो। देखो, मुझे मत बताओ कि आपकी समस्या क्या है, आप मुझे उन समस्याओं से लड़कर आगे बढ़कर दिखाओ। याद रखो, आपकी झोली में सिर्फ सहानुभूति ही डालेंगे लोग। अपनी गम की कथा दुनिया वालों को सुनाना छोड़ दो। प्रॉब्लम आपको भी है और दूसरों को भी। आप रिजल्ट चाहते हैं और लोग भी सिर्फ यही चाहते हैं। जिस तरह ट्रैफिक जाम होने पर हम इंतजार करते हैं कि जल्दी सी लाल बत्ती हरी हो जाए और कुछ देर इंतजार करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब भी प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सब्र करो। अपने समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करो, न कि समस्याओं में ही उलझ कर परेशान होते रहो। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामलों में अड़ाने के लिए नहीं। बारिश की बूंदें छोटी जरूर होती है, मगर उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होती है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। सफेद कपड़ों को अगर आप लाल रंग में डुबो दोगे तो वह लाल हो जाएगा, लेकिन लाल रंग से डूबे कपड़ों को अगर आप पीले रंग में डुबो दोगे तो वह पूरी तरह से पीला नहीं हो पाएगा। इसी तरह हमारा मन, हमारा दिमाग है। अगर इसमें पहले गलत विचार डाला जाए और फिर उसमें अच्छे विचार भरने की कोशिश की जाए तो ये पूरी तरह अच्छाई की ओर नहीं जा सकती है, क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही नेगेटिविटी भरी पड़ी है और वो किसी न किसी रूप में बाहर जरूर निकलेगी। नेगेटिविटी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा पॉजिटिविटी की जरूरत है, उतना ही ज्यादा फोकस की जरूरत है। इसलिए अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी का प्लांट लगाओ, तभी आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।